भाइयों, ये हो क्या रहा है? ये गौतम गंभीर भाइयों कर क्या रहा है? सूर्य कुमार यादव जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, रिंकू सिंह विकेट ले रहे हैं। सुपर ओवर में आप देखें कि जिस तरह से बॉलिंग की है यार, मैं कहता हूँ यार किस तरह की यार ये कोचिंग कर रहे हैं और किस तरह की जो है वो कैप्टेंसी हो रही है इस इंडियन टीम को। जो है भाई गौतम गंभीर ने भाई पता नहीं क्या बना दिया है। रोहित शर्मा के बाद भाई इन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस जीते हैं, हम तो समझे कि बस वो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है और वो जो फाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बस वो इंडिया बस इस तरह जीतेगी कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यार ये जो अभी मैचेस 3 जीते हैं ना श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया ने, अनबिलीवेबल मैचेस हैं। ऐसे सिचुएशन पर यार मैचेस जीतना मैं समझाऊं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है गौतम गंभीर के लिए भी और सूर्य कुमार यादव के लिए। सूर्य कुमार यादव भाई बहुत स्मार्ट बंदा है, जिसने जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो कैच किया था ना, उसके बाद जो है उसने बता दिया था कि भाई वो किस लेवल पर है और कहां किस लेवल पर खड़ा है और क्या कर रहा है। आप देखो कि श्रीलंकन टीम के 110 पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है और अभी तक 5 ओवर बाकी हैं, 30 गेंदों पर 30 रन बाकी हैं। ठीक है, फिर देखो वहां पर सिचुएशन क्या हुई। सिचुएशन ये हुई कि वहां पर जो है बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं की, वहां पर पार्ट टाइमर रिंकू सिंह ने तो हमने कभी नहीं देखा कि बॉलिंग भाई कर रहा है। सूर्य कुमार यादव को ये तो वही धोनी वाले स्पॉट्स मूव हो गए, जिस तरह से उसने 2007 वाले T20 वर्ल्ड कप में शुरू किए थे कि यार सहवाग से भी बॉलिंग कराते थे। तो भाई ये जो गंभीर कह रहा है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है इंडियन टीम। मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो आप नजर है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और टी वर्ल्ड कप पर है, क्योंकि जिस तरह से भाई उनकी टीम परफॉर्मेंस दे रही है ना, छोटे टारगेट डिफेंड करना और इस तरह की कैप्टेंसी करना अनबिलीवेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी सभी व्यर्थ रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई वो कल जो है वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो थर्ड T20 था, जिसमें से इंडिया की टीम ने जो है वो टारगेट दिया 137 रन का, सभी जो घंटे के फैंस थे वो खुश थे कि भाई आज इंडियन टीम भाई फंस गई है, क्योंकि 137 रन का जो टारगेट है वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव या रोहित शर्मा की मौजूदगी में ही जो है वो डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन भाई कैसे पता था आपकी टीम में ना तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह है, ना तो कुलदीप यादव है और ना ही रोहित शर्मा है, बल्कि आपके सूर्य कुमार यादव यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइमर से ये स्कोर डिफेंड कर लेंगे। यार 6 गेंदों पर 6 रन जरूरत थे, 6 गेंदों पर 6 रन। अब मुझे मुझे वो याद आ गई बात कि नवाज ने भाई क्या किया था। नवाज ने भी तो फाइनल ओवर किया था विराट कोहली को, याद होगा आपको, 6 गेंदों पर 7 या 8 रन उस वक्त चाहिए थे, उसने भाई क्या किया था। और यहां पर देखो सूर्य कुमार यादव ने क्या किया। सूर्य कुमार यादव ने भाई मेरे ख्याल में शायद अपनी जिंदगी में भी बॉलिंग नहीं की होगी जो आज उसने बॉलिंग की है। और वाशिंगटन सुंदर अभी तक तो यार उनके जो है वो मेन बॉलर के ओवर पड़े थे, मेन बॉलर के अभी ओवर पड़े थे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैच इंडिया ने खत्म कर दिया है। तो भाई ये जो गौतम गंभीर कह रहा है शुरू में, हम सुन तो रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ इंडियन जो है वो टीम के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इस तरह अनबिलीवेबल होगा ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के मैचेस जो हैं वो इंडियन टीम जीतेगी। हारे हुए मैच तीनों, समझे हारे हुए मैच, तीनों मैचेस में श्रीलंका की पोजीशन जो थी वो इंडिया से अच्छी थी, बस आखिरी ओवर की गेम चेंजिंग हुई है, सिर्फ आखिरी ओवर में। रात को भी जो आखिरी 5 ओवर में है वो 20 रन लगे और 7 विकेटें भाई गिरी हैं, 7-8 विकेटें गिरी हैं 5 ओवर। और वहां पर अगर देखा जाए तो इंडियन टीम पहले लड़खड़ा गई थी 48 पर, इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन फिर जिस तरह से शुभमन गिल ने भाई संभाला है और वहां पर जो है बारी को लेकर गए, इंडिया जो है वो अच्छा टोटल जो है वो मैनेज कर पाई। तो भाई इस तरह की जो तजर्बात हैं ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि T20
T20 की जो टीम है अभी नई बन रही है, तो नई टीम में नए नए तजर्बात करना मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। 2026 वाले T20 वर्ल्ड की तैयारी अभी से इंडिया ने शुरू कर दी है, अभी वर्ल्ड कप जीता है और अभी से 2026 वाले वर्ल्ड कप की भाई तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मुझे ये बताओ इस टीम को कौन हराना चाहेगा, या जिस टीम में अभी तक ना जसप्रीत बुमराह है ना कुलदीप यादव है, मुझे ये बताओ कि इस टीम को भाइयों कौन हरा पाएगा। केएल राहुल अभी तक टीम में नहीं है, फिर कौन इस टीम को मुकाबला करना चाहेगा। तो मेरे ख्याल में भाई इंडियन की जो टीम है वो इस टाइम अनबिलीवेबल बन चुकी है। अब ओडीआई जो टीम है वो विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा भी आ चुके हैं स्क्वाड में, तो अब देखना ये होगा कि जो ओडीआई में है वो किस तरह से इंडियन टीम की जो है वो परफॉर्मेंस रहती है। और फिर वहां पर मुझे घंटे के किंग की वो कैप्टेंसी याद आती है T20 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट, के आपने वहां पर जो है वो 50 पर इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। 50 पर कितने, 5 खिलाड़ी, वो भी 9 ओवर में, 9-10 ओवर में, और आपने 160 चेज कराया था। फिर घंटे के फैंस कहते हैं कि भाई हमारा किंग बाबर आजम ये है वो है, हमारी टीम अनबिलीवेबल है। अब बताओ कि इस तरह के मैचेस भाई कौन जीता है, यहां से इस तरह के मैचेस जो है ना जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई इतनी आम बात नहीं है, बहुत भाई मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा माइंड गेम होती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि सूर्य कुमार यादव की भाई कैप्टनसी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, रोहित शर्मा अनबिलीवेबल कैप्टन था, उसकी जो कैप्टनसी थी अनबिलीवेबल थी, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव भाई कैप्टनसी कर रहा है ना, इसका तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की कैप्टनसी हो रही है कि आपके मेन बॉलर यहाँ पर पड़े हैं और आप रिंकू सिंह को बॉलिंग दे रहे हैं, आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, इस बातों की समझ नहीं आती भाई। इस तरह रेया तो रियान पराग तो यहाँ पर तो है वो शेनवान बन जाएगा। कल रियान पराग ने भी भाई 3 विकेटें ले ली थी, रियान पराग ने भी भाई 3 विकेटें यहाँ से निकाल ली थी। आप मुझे ये बताओ जब रियान पराग जो है वो, हाँ आईपीएल में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो लोकल क्रिकेट है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट और जो लीग मैच होते हैं ना उनमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। बेचक रियान पराग पीछे अच्छा ऑलराउंडर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में चाहे आपके सामने जिम्बाब्वे भी खेल रही हो ना, यहाँ पर मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आपके रिंकू सिंह विकेट ले रहे हैं, आपके सूर्य कुमार यादव विकेट ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और इंडिया के लिए बहुत ही हैप्पी समझे कि मूवमेंट है कि उनकी टीम जो है अभी ना ही विराट कोहली है ना ही रोहित शर्मा, फिर भी T20 सीरीज हार्दिक पांड्या तक नहीं है, तो यहाँ से जो है भाई वो सीरीज निकालना बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं मेरी जो आज की वीडियो थी आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक करते शेयर करते, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अगली वीडियो तो हमें जहाँ बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।